सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाए परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के विकासखंड जागीर क्षेत्र के ग्राम पंचायत इलाव के पंचायत घर पर ग्रामीणों ने किया वृक्षारोपण। बुधवार को 12 बजे ग्राम पंचायत इलाव स्थित पंचायत घर परिसर में ग्राम प्रधान विपिन पाल ने पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। पंचायत घर के बाहर समूह की महिलाओं व ग्रामीणों का हुजूम जुड़ गया था। पौधारोपण के लिए समाज सेवी ग्रामीण व महिला समूह में काफी उत्साह देखा गया। पंचायत घर परिसर में अशोक, शहतूत, जामुन, गोल्ड, मोहर, केसिया के 50 पौधे रोपित किए गए। मौजूद सभी ग्रामीणों ने पौधारोपण कार्यक्रम में शपथ ली और कहा कि हम सभी ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने को लोगों को प्रेरित करेंगे और वृक्षों की देखभाल करने की सभी ने शपथ ली। मौके पर ग्राम प्रधान विपिन पाल ने कहा कि मैं अपनी ग्राम पंचायत में धरा के श्रृंगार के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कराऊंगा और कहा कि वृक्षारोपण ही आने वाले समय में बीमारियों से निजात दिलाएगा। समाज सेवी ज्ञानेंद्र चौहान व अशोक नेता ने बताया कि वृक्षारोपण से ही वायुमंडल का शुद्धिकरण हो सकेगा और कहा कि अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हमारे आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी व काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मौके पर सुनील चौहान, संतोष पाल, ऋषि पाल, सुनील पाल, शिवम राठौर, अवधेश कठोरिया, अवनीश पाल, रेखा देवी, सुनीता, बिमला कुमारी आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। मैनपुरी से हरिओम चौहान की रिपोर्ट। ब्लॉक कौन सी है? जागीर। क्या कार्यक्रम हुआ आपके यहाँ? आज हमारे यहाँ वृक्षारोपण का कार्य हुआ जो दैनिक डार की तरफ से किया गया था। अच्छा, तो कितने वृक्ष लगाए गए आज यहाँ पे? 40 से 50 वृक्षारोपण किया गया। अच्छा, तो आप अपने माध्यम से क्या निर्देश देना चाहते हैं वृक्षारोपण का? यही है कि वृक्षों से हमारा अगर वृक्ष रहेंगे तो आने वाले समय में हमारा जीवन रहेगा।